गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज मेरी तबीयत थोड़ा ठीक नहीं है, फिर भी मैं ये ब्लॉग बना रही हूँ क्योंकि मेरे ब्लॉग को गए 5-7 दिन हो चुके हैं ऑलरेडी, और मैं नहीं चाहती कि बीच में कोई भी ब्रेकडाउन आए जिससे मेरे ब्लॉग्स रुक जाए। और मुझे लगा कि ठीक है, अब बीमार तो कोई भी हो सकता है, तो मैंने आज का ब्लॉग घर में बना लिया। एक्चुअली मेरी आज तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है, मुझे फीवर आ गया। आज सुबह मुझे बहुत ज़्यादा शिवरिंग हो रही थी, मुझे फीवर आ गया, कफ कोल्ड हो रहा है। बेसिकली मेरे को 4-5 दिन पहले से ही काफ़ी फीवर तो नहीं लेकिन कफ एंड कोल्ड हो रहा था, तो बट मैंने थोड़ा लाइटली ले गई, मैं इस बात को थोड़ा ज़्यादा ध्यान दिया नहीं मैंने, मुझे लगा कि नॉर्मल है, ठीक हो जाएगा, बट वो ठीक हुआ नहीं। तो मैंने मेडिसिन भी नहीं लिया उस टाइम, और कल रात को तो फिर इतना ज़्यादा हो गया कि मेरी नोज चॉक हो गई बिल्कुल, और सांस नहीं लेने में आ रहा था। मैंने मेडिसिन भी ली बट कोई फ़र्क पड़ा नहीं इतना इंस्टेंटली, और रात में तो फिर मेरे को 3 बजे के आसपास, मैं रात को उठ के मैंने भाप मतलब स्टीम ली, गर्म पानी किया, स्टीम लिया, उसके बाद थोड़ा बहुत देर सोई, फिर 5:30 बजे उठ गई, तो प्रॉपर नींद नहीं हुई। तो सुबह तक तो मेरे को हेडेक भी बहुत ज़्यादा हो गया, हेडेक की फिर मैंने मेडिसिन ली, तब जाकर कहीं 2 घंटे में जाके मेरा हेडेक भी ठीक हुआ। और अभी सुबह के कितने बज गए, 10 बज चुके हैं, मॉर्निंग के 10 बज गए, मैं 9 बजे उठी हूँ सो करके, क्योंकि मेरी पूरी बॉडी दुख रही थी। बॉडी मतलब एक भी ऐसा कोना नहीं है जो मेरा दुख नहीं रहा होगा, और अभी फिर भी थोड़ा ठीक है। तो टोटली आज तो बहुत बुरा दिन जाने वाला है मेरा, क्योंकि इतना जैसे ही मैं बीमार होती हूँ सबसे पहले मुझे वीकनेस होने लग जाती है, और आज वही सब कुछ हो रहा है। एक तो कफ एंड कोल्ड, ऊपर से शिवरिंग, फीवर, और थोड़ा सा भी चलो तो चक्कर आने लग जाते हैं, इतनी वीकनेस हो जाती है। एक दिन के बुखार में इतनी वीकनेस हो रही है कि मुझे चक्कर आ रहा है, मुझे अपने बेड पे से उठने में भी इतना आलस आ रहा है, थोड़ा सा भी उठती हूँ तो मुझे चक्कर आने लग जाते हैं, मैं वापस से लेट जाती हूँ। मैं तो अभी मैं बिल्कुल उठ नहीं रही हूँ, और आज पूरे दिन मुझे रेस्ट ही करना है, क्योंकि ऐसे टाइम पे मेरे को लगता है कि जितना अपन रेस्ट करेंगे उतना जल्दी रिकवर हो जाएंगे। मेडिसिन तो खैर लेना ही है, वो तो अपनी जगह है, बट उसके अलावा रेस्ट भी प्रॉपर होना चाहिए सो दैट की टाइमली रिकवर हो जाए। कि मैं गर्मी लगती है और एसी कूलर चलाते हैं तो ठंड लग जाती है, मौसम बहुत तो अजीब सा हो गया है। उस टाइम बच्चों को भी बीमारी हो रही है, कोई ज़्यादातर सबको खांसी, जुकाम और बुखार, बस यही हो रहा है। मेरे खुद अभी तो छोटी वाली बिट्टी बेटी को फीवर था, अब मुझे हो गया। आज सुबह से मैं सिर्फ लेटी हुई हूँ, आज मैंने पूरा रेस्ट किया है, इसीलिए मैं चाहती हूँ फटा जल्दी से जल्दी मैं ठीक हो जाऊँ, क्योंकि कोई और अगर बीमार होता है घर में तो जो घर की जो फीमेल होती है एटलीस्ट वो सारा मैनेज कर लेती है, बट अगर घर के फीमेल कैंडिडेट अगर बीमार हो जाता है तो घर में कोई भी काम प्रॉपर नहीं हो पाता है। आज हुआ है वैसे तो, हालांकि काम तो सारे हो गए बट वो ये थोड़ा दिक्कत होती है फैमिली मेम्बर्स को, इसलिए मैं नहीं चाहती कि मैं ज़्यादा दिन बीमार अभी थोड़ी देर मैं भाप भी लूँगी, मैंने अभी मॉर्निंग में भी लिया और अभी दोपहर हो गई, दोपहर तो नहीं 3 बज गए, 3 बजे अभी फिर से मैं एक बार और भाप लूँगी, फिर रात में जब सोऊंगी तब फिर से एक बार स्टीम और ले लूँगी, तो उससे क्या होगा कि थोड़ा रात में मेरे को आराम आ जाएगा स्टीम लेने से, ना नोज खुल जाएगी प्रॉपर, नहीं तो मुझे फिर से प्रॉब्लम आएगी। आज रात में अगर मैं फिर से नहीं सो पाई तो रात को फिर मेरे को हेडेक हो जाएगा, था वाइज मैं ये बिल्कुल नहीं चाहती, तो मैं अभी स्टीम लूँगी। मैंने मेडिसिन भी ले ली है सारी दोबारा से, और आज मैंने खाना भी खा लिया,
मैं इसमें एक चीज़ बोलूँगी, अगर कुछ ऐसा होता है ना तो अपन को खाने की इच्छा नहीं होती है, खाना खाने पे एकदम उबाक से आने लगता है जैसे वॉमिट हो जाएगी। तो मैंने ज़्यादातर लिक्विड लिया, कोकोनट वाटर लिया मैंने दो बार ले लिया, और जूस मौसमी का जूस मैंने घर में ही निकाल दिया था मैंने, तो वो ले लिया मैंने एक बार। और मैं सुबह से गर्म पानी ही पी रही हूँ, मतलब गर्म एकदम वैसे नहीं, मतलब गुनगुना पानी पी रही हूँ मैं। और जब भी मैंने पानी पिया है मैंने थोड़ा वार्म वाटर ही लिया है, उससे भी गले में आराम आता है। ये तो क्या थोड़ा ज़्यादा ठंडा हो जाएगा तो ये टॉन्सिल्स होने की भी दिक्कत हो जाती है कई बार, तो ऐसा ना हो उससे मैं बच जाऊँ, बस जल्दी से मैं ठीक हो जाऊँ, क्योंकि मुझे ऐसे लेटा रहना बिल्कुल पसंद नहीं है, मैं बहुत बोर हो जाती हूँ। और मोबाइल देखो, मम्मा के फीवर हो रहा है, मम्मा दवाई लेकर खाना खाकर सो रही है। देखो मम्मा मुंह खोल के सो रही है, नाक बंद है मम्मा की, आराम से अभी अभी सोई है मम्मा। मम्मा के लिए अभी मैंने दूध गर्म किया है तो मम्मा को अभी मैं दूध दे रही हूँ, मम्मा दूध पियेंगे तो जल्दी ठीक हो जाएंगे। मम्मा उठ जाओ, देखो दूध आ गया, आ जाओ उठ जाओ। ठीक हो आप? थोड़ा वो मोटर ऐसी थी ना मेरी, वो कहाँ से है? मम्मा से देखो बोला भी नहीं जा रहा, मम्मा के कफ भी हो रहा है थोड़ा। अब थोड़ा दूध पी लो, मुंह ठीक हो जाएगा। वेलकम। गर्म है। अब आप लेट जाओ थोड़ा। फाइनली मुझे अभी थोड़ा सा रिलीफ है मेडिसिन वगैरह लेने से, और काफी मतलब 50% मैं ठीक हूँ मुझे ऐसा लग रहा है। और देखो ये सारी मेडिसिन लेनी पड़ती हैं। ओके गाइस, मैं अभी बच्चों को सुलाने के लिए जा रही हूँ, बिस्तर लगाऊंगी इनको, सुलाती हूँ बच्चों को दोनों को, क्योंकि अभी 9:30 बज गए हैं शायद, आई थिंक 9:30 बज गए हैं। और रिद्धू बाबू अभी सोने वाला है, उसको नींद आएगी, वो सुबह से इंतज़ार कर रहा है कि मम्मा के पास प्यार कर दे मम्मा, बट मम्मा बीमार थी तो उसको प्यार नहीं कर पा रहे थे। अभी उसको मैं अब सुलाऊंगी प्यार से, क्योंकि वो ऐसे बोलती है हमेशा कि मम्मा प्यार से सुलाओ। तो अभी मैं उसको सुलाने जा रही हूँ। मैं अपना ब्लॉग यहीं पे ख़त्म करती हूँ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू एंड गुड नाइट।